शिवपुरी में नगर पालिका कर्मियों की हड़ताल सातवें दिन भी जारी। कचरे के ढेर में तब्दील हुआ शहर। शिवपुरी शहर में लापरवाह नगर पालिका के वजह से शहर को गंदगी से लेकर पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शहर के क्षेत्र में चारों ओर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहर के बिगड़े हालात की तस्वीर बाजारों से निकल कर आई है, जहाँ पिछले 7 दिनों से बाजारों में नपा द्वारा सफाई नहीं कराई गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि नहा धोकर दुकान पर पहुंचने वाले दुकानदार पहले अपनी अपनी दुकानों के बाहर झाड़ू लगाकर कचरा जलाने को मजबूर हो रहे थे। बता दें कि नगर पालिका में आपसी खींचतान बनी हुई है। कुछ रोज पूर्व सड़क की कोर कटिंग से शुरू हुए विवाद के बाद पार्षद सुमन बाथम, नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा और सीएमओ केशव सगर के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद सीएमओ फोर्स लीव पर जाना पड़ा था। इसके बाद नपा के पंप अटेंडरों और सफाई कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी थी। नपा अध्यक्ष ने सीएमओ पर कर्मचारियों को भड़काने के आरोप लगाए थे। वहीं भाजपा के कई पार्षद और कांग्रेसी पार्षद नपा अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। उनके द्वारा सीएम से लेकर कलेक्टर से नपा अध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही थी। कुल मिलाकर नगर पालिका में छिड़े गृह युद्ध के चलते आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। सुनिए क्या है मांगे हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की। शिवपुरी से नासिर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह बोल रहा हूं। क्या करते हो आप? पंप अटेंडर हूं। हां, ये आप जो हड़ताल कर रहे हो, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये था, 2-3 महीने से वेतन नहीं मिलती हमको समय पे, और हम कोर्ट से केस जीत चुके हैं। इसके बाद भी मतलब कोर्ट का उल्लंघन कर रहा है, इन लोगों ने हमारी वेतन नहीं बढ़ाई, कलेक्टर रेट नहीं करी, ना हमारा एरियर दिया गया। तो इस बारे में आपने किससे चर्चा की? हमने सभी लोगों से चर्चा कर चुके हैं। विधायक जी को आवेदन दे दिया हमने, मुख्यमंत्री को भेज दिया, अध्यक्ष साहब सबको पता है, और सीएमओ साहब जितने भी सीएमओ साहब हैं सब अधिकारियों को पता है। तो कल आपका फैसला होना था, मतलब अंतिम फैसला होना था, आश्वासन दिया गया, लिखित में हमको कोई चीज नहीं दी, तो हमने हर साल खत्म नहीं करी। तो अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं लिखित में दे दो, लिखित के अलावा भी हमारा काम, तो लिखित में जो काम है वो मांगे हैं, वेतन तो पहुँचाओगे, हाल फिलहाल वेतन भी तो पहुँचाओ, वेतन नहीं मिला। कल आपसे चर्चा करने के लिए एडीएम साहब आए थे, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला इस बारे में? क्या उन्होंने आश्वासन दिया था, आप अपने काम पर पहुँच जाओ, आपका काम हो गया, हमको चाहिए लिखित में चाहिए ना, कैसा विश्वास कर लें? तो हम 10 साल आज ही। क्या नाम है आपका? संतोष खोड़े, सफाई कर्मचारी संघ का अध्यक्ष। हड़ताल आपकी कई दिनों से चल रही है जी, कल फाइनल भी होना था फैसला, लेकिन नहीं हो पाया, क्या कारण रहा इसका? नहीं नहीं, फैसला फाइनल तो जब होना, जब अधिकारी हमारी बातों पर स्वीकृत हो, जब मंजूरी नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे हड़ताल समाप्त हो जाए? कौन सा दिन है आज? आज 7वां दिन है। कल क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? आश्वासन दिया था सीओ साहब आ रहे हैं, अब देखते हैं कब तक आते हैं सीओ साहब। नहीं, लड्डू भी खिलाया था आपको? लड्डू तो वो कोई प्रसाद वगैरह लाए होंगे कहीं से, चढ़ा चुड़ू का जो नहीं, तो उनका कहना तो ये कि जो गतिरोध जो समाप्त हो गया है बातें में, उनका कहना तो कुछ भी हो सकता है, हमारा कहना तो ये है कि हड़ताल अभी समाप्त नहीं हुई। तो कब तक चलेगी हड़ताल? हड़ताल तो अब ये है कि आज कुछ बातें हैं जो अगर मंजूर होती हैं, हमारी सहमति बनती है तो हम आगे के लिए बढ़ा देंगे, स्थायी कर देंगे, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। अगर मांगे प्रमुख मांगे क्या है आपकी? हमारी प्रमुख मांगे 27 है, मेन मांगे क्या है आपकी? जो मांग सबरी महंगी है, मांग मांग तो कलेक्टर दर है, और जैसे हमारे कर्मचारियों को कुछ के पैसे बढ़ाना है, हमारा पीएफ वाला एमपीएस वाला रट्टा है, पीएफ वाला भी है हमारा रट्टा, कर्मचारी कर्मचारी वाला रट्टा आज है हमारे कुछ मुद्दे। तो अध्यक्ष साहब से बात हुई थी कि इस बारे में आपकी? नहीं, अध्यक्ष साहब से हम क्या, अध्यक्ष साहब प्राइवेट बॉडी, हम सरकारी बॉडी करेंगे तो हम सरकारी बॉडी से बात करेंगे। तो सीएमओ साहब आपसे चर्चा करने को तैयार थे क्या? अभी आज तो यहाँ सीएमओ साहब चार्ज में जो सीएमओ साहब उनसे बात चुकी हूँ। शहर में शहर की अलग खराब है, गंदगी पहले ही हुई है, उससे उसके बाद भी सीएमओ साहब आपसे मिलने नहीं आए? अभी हमारे साहब यहीं का यहाँ ट्रेनिंग में गए हुए हैं।